दो देशों के बंटवारे ने बेशक पंजाब तो वंड दिता पर पंजाबियों के दिल कदे भी ना वंड सकी। एक ऐसा ही दिल जिस दे शरीर ने चढ़दे पंजाब ते बाकी दुनिया तो जिंदगी दे हर शोबे विच कामयाबी हासिल करन दे बावजूद इसका दिल लहंदे पंजाब दे एक पिंड हडाली लई ही तड़कता रहा। ता ही तां अपनी वसीयत दे मुताबिक अपनी शरीर दी मट्टी नूं अपनी पिंड दी मट्टी विच दफन होना पसंद कीता। एक ऐसे लखारी वकील सिफारतकार सहाफी अते सियासतदान दा नाम है खुशहाल खुशवंत सिंह। सो आओ चलदे हां खुशहाल खुशवंत सिंह जी दे पिंड हडाली ज़िला खुशाब विच और कोशिश करदे हां खुशवंत सिंह जी दे एक दोस्त असद अली बट्टी नूं लभण दी। आप जी का जन्म 2 फरवरी 1915 नूं वीर बहादुर सर सोभा सिंह जी दे घर वरियाम कौर जी दे कुखों पिंड हडाली ज़िला खुशाब मौजूदा पाकिस्तान विच होया। आप जी दे पिता सरदार सोभा सिंह जी हिंदुस्तान दी एक जानी मानी शख्सियत सन। सरदार सोभा सिंह जी एक बहुत ही वड्डी बिल्डर कंपनी दे मालिक सन। दिल्ली दी राजसभा साउथ ब्लॉक आप जी दी कंपनी दी ही तखलीक सी। उस वेले आप जी दी कंपनी दे विच 6000 तो भी वध मुलाजम काम करदे सन। कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना आप जी दी करीबी मित्रां विचों सन। इस गल तो साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरदार खुशहाल खुशवंत सिंह दी परवरिश एक बहुत ही वड्डे घराने विच होई। खुशवंत सिंह ने अपने स्कूल का आगाज़ दिल्ली मॉडर्न स्कूल तो किया अते 1930 तक उत्थे ही रहे। आला तालीम लई आप जी गौरमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर विच आए। आज़ादी दी तहरीकां नूं आप जी ने बहुत ही करीब नाल वेख्या। इसे ही दौरान कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना दे मशवरे दे मुताबिक वकालत विच पैर रख दिता अते लंदन चले गए। वापस आके लाहौर विच ही वकालत दा आगाज़ कीता। आज़ादी वेले कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना ने आप नूं लाहौर हाई कोर्ट दे जज दे ओहदे लई सद्या पर आप जी दा मन किसे होर ही तलाश विच सी। आप जी ने इंडिया फॉरन सर्विस ज्वाइन कीती ते कैनेडा चले गए, जिस तो बाद दुनिया दे बहुत सारे मुल्कां विच आप जी ने अपनी खिदमात सरंजाम दित्तियां। पर आप जी दे अपने पिंड नाल प्यार उस वेले खुल के सामने आया जदों 1956 विच आप जी दा नावल ट्रेन टू पाकिस्तान छपिया ते आप जी दे हत्थों ही हिंदुस्तान टाइम समेत इंडिया दे अनगिनत अखबारां ने परवरिश पाई। आप जी दी जिंदगी विच आप जी नूं बहुत सारे अवार्ड्स नाल नवाजिया गया। 1974 विच आप जी नूं पद्मा भूषण नाल नवाजिया गया पर 1984 विच हरिमंदर साहब उपर हमले होने तो बाद आप जी ने एहतजाजन इस एजाज़ नूं वापस कर दिता। ये खुशवंत सिंह का भाई घर है जो अभी गैराबाद हो चुका है। उन्होंने जो डेथ हो गई ना जी तो साढ़े ऑर्नरी ब्रिटिश कौंसलेट फकीर सैयद इजाजुद्दीन लाहौर दे तो उन्होंने बेगम शहनाज इजाजुद्दीन ये उन्होंने आखिरी रसूमात शिरकत वास्ते गए इंडिया। उस तो बाद जो आए तो वह उसकी राख लैके आए बन के इत्थे ले आए अपने घर लाया। फिर उन्हें राबता किया मेरे नाल जी कि इस तरह उसकी राख आई नाल तख्ती भी आई। वह मशवरा किया कि जी ना की तख्ती यादगारी तख्ती स्कूल सलानी उस स्कूल की तख्ती के ना वो जो मिसाला मिसाले की तख्ती बना के ना और मिसाल उसकी राख मिला के सला दी मिसाला बनाया गया तख्ती लाने वास्ते राख शामिल कर दी वो तख्ती उत्थे लगी हुई एवं जी ए तख्ती जी लगी हुई ने खुशवंत सिंह के नाँ की स्कूल ए कपड़ा जिस खुशवंत सिंह की राख आई सी
मैं खुशवंत सिंह का नाम सुने हुए सी लेकिन जानते नहीं सन। मैं उन्होंने नावल पढ़िया तो उस तू मैं मुतारिफ होया कि जी ए खुशवंत सिंह हडाली दर। अच्छा। तो उस तू बाद मैं उन्होंने खत लिखा। अच्छा। कि जी बड़ी खुशी हुई कि इतने वड्डा वड्डा सहाफी दुनिया का वड्डा कालम निगार इतना अनेस्ट लेजेंड आदमी ये हडाली दे साडे पिंड नाल वास्ता तल्लुक है। तो वो मैं उन्होंने खत लिखा खुशवंत सिंह मेरे उन्होंने पता नहीं सी मेरे को मैं वैसे ही लिख दिता खुशवंत सिंह न्यू दिल्ली भारत। खत मैं उर्दू च लिखे। अच्छा। खत लिखा वापसी वो तकरीबन मैं तीन चार हफ्ते तो बाद उन्होंने मैं वापसी जवाब आया। अच्छा खत आ भी गया। आ गया तारे को पता भी नहीं मेरे को पता नहीं सी मैं खत लिख दिता खुशवंत सिंह न्यू दिल्ली भारत। अच्छा। वो खत उन्होंने मिल गया। इस तू यह साबित होया कि इंडिया दे विच इक ही खुशवंत सिंह से। अच्छा। खुशवंत सिंह ने ना तो कई होंगे लेकिन इतना मशहूर आदमी वो ही एक है कि उन्होंने महकमा पोस्ट ऑफिस आली जान देने के जी ए एक खुशवंत सिंह। अच्छा। इस तरह जी वो उस दे जवाब आया ते उन्हें बड़ा खत लिखा तो उस लिखे जी के अज मैनू इस तरह मालूम होया कि मैं अपने पिंड दे विच आ बड़ा अच्छा खत लिखा सी मैं वो मैं अदबी कॉन्फ्रेंस गया ते मैं क्या यार इतनी आया ते वो मैनू वीजे दे नहीं सी पता कि वीजे दूसरे शहर दा होवे ते तां उधर जाईदा मैं क्या यार इतनी आया ते खुशवंत सिंह नू मिलना चाहिदा। हाँ। अच्छा वो मैं नाल एक दो दोस्त सन मैं उन्होंने कहा यार खुशवंत आखो तू पागल है यार खुशवंत सिंह इतना बड़ा वी आई पी वो पंजाबी कॉन्फ्रेंस साढ़े छोटे मोटे बंदे नू कित्थे मिलदा अजे कित्थे ते ओ दिल्ली ते तू चंडीगढ़ तू उत्ते दिल्ली जा ही नहीं सकदा तेरा वीजे दिल्ली दे नहीं। मैं उन्हें दोस्त मैं कह यार उदा नंबर नहीं सी खतो किताबत है सी लेकिन उसले नंबर नहीं सर उन्दे टेलीफोन दे उन्हें खता दे ते लिख दे जो आज कल लिख दें दे। मैं कह यार उन्हें कभी नंबर ट्रेस हो गया ना ते फिर उन्होंने गल करी उन्होंने नंबर लिया दिता पता नहीं किस जगह तो क्योंकि उत्थे बड़े बड़े लोग सन उन्होंने जेडे मशरकी पंजाब है उसके उन्हें जी क्या भैया उन्होंने नंबर है खुशवंत सिंह का तो उस दे नाल राबता कर लेने जी। अच्छा। वो खुशवंत सिंह नाल राबता कीता ते वो मैं क्या जी राबता होया वो ऑपरेटर ने हैंडसेट दी मैं उन्हें क्या जी ये खुशवंत सिंह लाइन से गल करो वो मैं चूंकि मैं मुसलमान सा सिख सन ते वो बिला तकलफी भी होंगी वो मैं एवं कह दिता वो जहन च नहीं सी गल मैं क्या जी सरदार जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। वो कहते वालेकुम सलाम मैं क्या सरदार जी मैं इतने आया सा इंडिया ते मैं क्या चलो तुहाडे नाल मुलाकात लेकिन साढ़े वीजे की पाबंदी मैं चंडीगढ़ तो अगे नहीं जा सकता दिल्ली ते दिल सी मैं इतने आया तो तुहानू मिल लेंदा लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी वो अगे पंजाबी च कहंदा खुशवंत सिंह पंजाबी बोलदा सी ज्यादा लिखदा लिखे उस हमेशा अंग्रेजी च लेकिन वो अक्सर अक्सर पंजाबी बोलदे वो पंजाबी कहंदा वो भट्टी तू कित्थे आ गया फिर उसने पत्नी हैंड सैट रख दी टेलीफोन बंद मैं हेलो हेलो करता रह गया चुप कर गया। अच्छा। वो मैनू बड़ा गुस्सा चढ़िया मैं आखा वो खत लिखता तो कहंदा जी कि मैं हडाली मेरे लिए जन्नत है हडाली दी मैं उन्हें चादरा भेजियां कहंदा मेरे लिए बड़ा वड्डा तोहफा इतनी सारी गल कि मेरे नाल गल ही नहीं की वो जिस तरह भाई मैं इतना छोटा बंदा यार मैं क्यों चीज दोस्ती लाई सो मैं सारा दिन मेरे ना जो आवाजार जी गुजरिया वो पिछले टाइम वेख्या ना जी तो खुशवंत सिंह आ गया। अच्छा। बजाते खुद आ गए जी। अच्छा। वो जी आके जी वो इंतजामिया दसा गया जी को खुशवंत सिंह आ गया जी वो कि आए जी वो उसके जी कोई वतनी इतने आया होया उस वतन का आदमी आया उन्होंने मिलन आया। अच्छा। उन्हें जी मैंने दसा जी को खुशवंत सिंह आया तो मिलन मैं मिलया वो जो सामने आया ना तो वो मैं वो अदाकार मैं नहीं है कि मैं अदारी अदाकारी कर सकता ते वो दी फीलिंग वो आया उस आखो भट्टी तू इत्थे तू भट्टी तू है मैं कह जी मैंने भट्टी कहता सी ना नहीं सी लैंदा ज्यादा वो भट्टी तू है मैं कह जी क्योंकि भाई फेस पहली मुलाकात से। अच्छा। उस मैनू जो पंजाबी जिस तरह कहने ना जफ्फी पा ली इस तरह। अच्छा। इत्थे उस मुंह रखे जी ते चुमन लगा जी को पांच मिनट ते वो मैंने चुमदा ही रहा। अच्छा। उस तो बाद पिछे जे होया तो मैंने कहना के सुबह
तेरे नाल गल नहीं हो सकी। तू नहीं कि मैं क्या मेरे वतन का बंदा आया तो मैं उस नाल फोन ते क्यों गल करा, मैं उसनू खुद जाके मिलदा। वाह ते तू महसूस की तो सी कि मेरे नाल गल नहीं की, मैं तेरे नाल गल नहीं कर सकया, मैं वो तैन वो दस ना सकते कि यार मेरे वतन का बंदा आया तो मैं उन्होंने मिलना। ते मैं फिर आ गया तेन मिलन, फिर उत्थे बैठ रहे गप शप लगी वो जी उत्थे वो चने खेत किस तरह ने जी, उत्थे चना हुंदा वो टिब्बे हुंदे सन जी, उत्थे इस पासे दरख्त हुंदे सन, वो रेलवे लाइन स्टेशन कैसा चलदा पिया, तो वो पुरानी मैं उन्होंने कहा यार खुशवंत सिंह जी हुण ते वो चीज़ नहीं है ना, वो चने ने थे ना वो स्टेशन, रेल ही बंद हो गई, माड़ी इंडस्ट चलती सी बंद हो गई, सैलाबंद पहले फसल जेड़ी हूँ तुस कपाह ना लै रहे हो, तो कपाह ना ही साढ़े इलाके च नहीं हूँ, तो हूँ वो चीज़ नहीं। उस वक्त मैं पूछे मैं क्या जी तुसी हडाली आने, उस सके जी मैं एक दफ़ा गया 1986 च। अच्छा अज 25-26 साल हो गए, उस तो बाद फिर मैं नहीं गया न मैं हडाली जाना। अच्छा क्यों जी? तुस ता जो हडाली इतना प्यारा शहर है, मेरा शहर है, मेरा शहर है, तो हडाली मैं जिन मर जाँ तो मेरी राख हडाली दफन हो गए, तो तुम हडाली नाल इतना प्यार कर दे तो हडाली आँदे नहीं। अच्छा उस क्या मैं नहीं आना क्यों जी? उस क्या मैनू हडाली नाल इश्क है, मैं इश्क कीता एक चीज़ नाल ही कीता, मैं मेरे हजारा खवातीन ने औरतों ने मैं जिस जिस पास इशारा करा मेरे तो मर दे, तो मैं भी बड़े प्यार मुहब्बत कीतियां ने, लेकिन मेरा इश्क हडाली नाल है। वाह ते मैं हडाली नू नहीं जाना चाहता। मैं कुछ ये क्यों होया भाई तू उधरू तुसी कहंदे कि मेरा इश्क हडाली नाल है, उस क्या इश्क जिस नाल होवे अगर वो चीज मिल जाए ना तो वो इश्क खत्म हो जाता। मैं हडाली नू बचपन दे विच जेड़े मैं वो हेवले है ना जी, मैं जेड़े छोड़ के आया ना जिन्ना अखा नाल जेड़ी गली मैं छोड़ के आया, मैं मरदे ओ गली वेखना चाहना। मैं जेड़े दोस्त मेरे हमजोली हुण मैं हडाली वैसे मेरे हमजोली नहीं, मैं उस 90 साल की तकरीबन दी उम्र हो गई सी जी, आज तू 17-18 साल पहले दी गल है तकरीबन, कि मेरे हमजोली नहीं होंगे जिन्हें गलियां च मैं खेड़दा सौ गलियां नहीं होनगियां, मेरे जेड़े तुसा घर हो मैंने तुसा तस्वीरें दीतियां खंडर बन चुके, मैं मेरे उत्थे घर नहीं, मैं उत्थे के मेरे सिर्फ स्कूल याद है भाई, वो स्कूल उत्थे हो सी, बाकी वो गली नहीं होनी, सड़क नहीं होनी, वो चीज़ें नहीं होनी, तो मैं के वेख सकदा? मैं वो कच्चे पक्के घर वो छोटियां जिवें तुस पे कहंदे भाई उत्थे ते थाली खत्म हो गई, रेत खत्म हो गई, वो फसल खत्म, मैं वो जिहड़ी वो अपनी अखां दे विच बसाई हो हडाली, मैं मरदे अपनी अखां दे विच ओ हडाली वेखना चाहना, इस वास्ते मैं हडाली नहीं मैं अगर हुण मैं गया तो हडाली दी ओ शक्ल न हो सी, मेरे शहर दी ओ शक्ल न हो सी, ते मेरे इश्क खत्म हो जाए, मेरे ओ इश्क खत्म हो गए। वाह वाह, ते इश्क ओ है कि जे जदू माशूक मिले ने, अगर माशूक मिल गए तो फिर इश्क खत्म हो गए, फिर तो वैसे प्यार जो मोहब्बत रह जाए, ते मेरे इश्क जी हडाली ने। आप जी ने बहुत सारियां किताबां तख्लीक कीतियां, आप जी ने लिखा कि गरीब नू केड़ी आज़ादी है, वो पहले पढ़े लिखे अंग्रेज़ दा गुलाम सी ते हुण पढ़े लिखे हिंदुस्तानी दा। आप जी दे परिवार दी अमीरी दे चर्चे पूरी दुनिया विच सन, इस दे बावजूद आप जी दे गरीबां लई प्यार ते एहसास दा कोई मोल नहीं सी, आप जी दी हसासीयत ईमानदारी अपने मिसाल आप सी। आप जी ने सिख धर्म उपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कीती ते शाहकार किताबां तखलीक कीतियां, आप जी दा धरती नाल प्यार रहिंदी दुनिया तक आने वाले लोगों वास्ते एक मिसाल है। 20 मार्च 2014 नूं खुशवंत सिंह अपने खलके हकीकी नूं जा मिले।